जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन, क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास अ प्रोडक्ट ऑफ आफवा में मैं आमिर आपका वेलकम करता हूं। इस वीडियो में हम इंडो चाइनीज बॉर्डर के प्रेजेंट सिचुएशन को एनालाइज करेंगे और वीडियो के आखिर तक बने रहिए क्योंकि एंड में हम शहीद कर्नल संतोष के बारे में भी जानेंगे। इंडिया और चाइना की अनडिमार्केटेड बॉर्डर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ऑलमोस्ट 5 decades बाद मंडे नाइट में वायलेंट क्लैशेस देखे गए। ये क्लैशेस ऑब्वियसली इंडियन चाइनीज सोल्जर्स के बीच हुए जिसमें इंडिया के शूरवीर वीरगति को प्राप्त हुए। शुरुआत में ट्यूसडे आफ्टरनून में रिपोर्ट्स आई थी कि 16th बिहार के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू के साथ 2 इंडियन सोल्जर्स शहीद हुए और जैसे ही देश नींद की आगोश में जाने लगा और 17 सोल्जर्स मार्टर्ड होने की पुष्टि कई सारे ऑथेंटिक सोर्सेस ने की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इंडिया और चाइना के बीच सिचुएशन काफी समय से ठीक नहीं चल रही थी। सिचुएशन डीएस्केलेट करने की कोशिश की गई क्योंकि दोनों ओर के मिलिट्री कमांडर्स वायलेंस नहीं चाहते थे। कई सारे राउंड्स हुए टॉक्स के और सिचुएशन नॉर्मल होने लगी थी, तभी अचानक से एक चिंगारी निकल के दोनों देशों के बीच और आग लगा देती है। एट प्रेजेंट जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इंडिया के 20 सोल्जर्स की डेथ कन्फर्म की जा चुकी है। वहीं चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी के साइड से डेथ टोल रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन 40+ चाइनीज सोल्जर्स को मार गिराया गया है, ऐसा कुछ मीडिया सोर्सेस का मानना है। मंडे नाइट के क्लैश के बाद इंडिया के 17 सोल्जर्स क्रिटिकली इंजर्ड थे और लद्दाख जैसे हाई अल्टीट्यूड टेरेन के सब जीरो टेम्परेचर पर एक्सपोज होने के कारण ये सभी सोल्जर्स सकम कर गए, ऐसा स्टेटमेंट आर्मी की तरफ से आया है। ये तो थी ग्राउंड जीरो की सिचुएशन। न्यू दिल्ली में भी गतिविधियां बढ़ गई है। प्राइम मिनिस्टर रेसिडेंस पर टॉप आर्मी ब्रास इंक्लूडिंग CDS बिपिन रावत, आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ, नेवी चीफ, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर एटसेट्रा डिसीजन मेकर्स लेट नाइट मीटिंग में शामिल हुए। 45 years में ये पहली बार हुआ है जब इस तरह की डेडली वायलेंट क्लैशेस इंडो चाइनीज बॉर्डर पर देखी गई है। इंडिया चाइना के साथ 2 fronts पर बॉर्डर शेयर करता है, एक नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर वाला फ्रंट और दूसरा JNK और उत्तराखंड वाला। 1975 में अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर के अक्रॉस इंडियन पेट्रोल को चाइनीज सोल्जर्स द्वारा एम्बुश कर दिया गया था। ये वो लास्ट इंसिडेंट था जब बॉर्डर पर इस तरह के क्लैश देखे गए थे। इससे पहले 1962 वॉर के कुछ समय बाद 1967 में सिक्किम के नाथुला पास के करीब इसी तरह की घटना देखी गई थी जहां इंडिया ने 300 चाइनीज सोल्जर्स को मार गिराया था। प्रेजेंट स्टैंड ऑफ का एपिसेंटर लद्दाख की गलवान वैली है। आई एम श्योर आप डिफेंस न्यूज कैन डेली फॉलो करते हो तो आपको काफी चीजें क्लियर होगी। इस विषय में जो भी अपडेट्स आएगी हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, इसलिए स्टे ट्यून्ड। अब बात करते हैं कर्नल संतोष बाबू की। बिटवीन जस्ट ओवर अ मंथ हमने 2 कर्नल रैंक्स के ऑफिसर कन्फ्लिक्ट में खो दिए। पहले कर्नल आशुतोष शर्मा टेररिस्ट से लड़ते हुए शहीद हुए और अब कर्नल संतोष को अपनी जान कुर्बान करनी पड़ी। इन इंसिडेंट से पता चलता है कि इतने बड़े रैंक पर पहुंचकर भी हमारे सोल्जर्स अपने देश के प्रोटेक्शन के लिए फ्रंट से लीड करते हैं। कर्नल संतोष का ब्रिलियंट एकेडमिक करियर रहा है। सैनिक स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन की और 2004 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से वो पास आउट हुए। इन्होंने 16th बिहार रेजिमेंट ज्वाइन की थी। आर्मी के 15-year लॉन्ग सुनहरे करियर में उन्होंने कई इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन JNK के LOC अक्रॉस किए थे। 2007 में एक ऑपरेशन में उन्होंने 3 टेररिस्ट को मार गिराया था और इसी निडरता और बहादुरी के चलते वो इतने छोटे करियर स्पैन में कर्नल रैंक पर भी पहुंच गए थे। मैं आफवा और CSM की टीम की तरफ से कर्नल संतोष बाबू को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।